आरसीपी सिंह को लेकर बहुत कुछ घट रहा है बिहार के राजनीति में। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर हो रही, सुनाते हैं आपको। तक आप सब लोगों को इंतजार करना चाहिए। किनको ये नोटिस दिया गया है और किन कारणों से दिया गया है? कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो जानकारी मिली कई स्रोतों से कि सरकार में रहते हुए, सरकार के साथ रहते हुए, पार्टी के शीर्ष पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है। अब जो भी संपत्ति उन्होंने अर्जित की उसके बारे में उनको क्या कहना है, पार्टी यह जानना चाहती है। तो पहले तो आप बताएंगे, इस पर अपनी सफाई देंगे या क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इस बात का इंतजार हम करेंगे और उसके बाद फिर पार्टी अगले कोई एक्शन पर विचार करेगी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो जितने भी कागज उपलब्ध कराए गए हैं, पहली बात कि ये कागज किसने उपलब्ध कराया और उसके बाद पूरा सिलसिलेवार ब्यौरा देकर आप लोगों ने जो उनको नोटिस किया है, तो क्या ये भ्रष्टाचार का मामला बनता है? नहीं, इसलिए हम पहले उनकी सफाई या उनको क्या कहना है उसको जानना चाहेंगे, उसके बाद ही हम इस पर कोई बात कर पाएंगे। किसी भी स्रोत से जानकारी मिली, जानकारी किसने दी इसका खुलासा करना आवश्यक नहीं होता है कई मामलों में, लेकिन जो भी जानकारी मिली, अगर जानकारी में जो भी सच्चाई जो प्रतीत होती है, वास्तव में सफाई के बाद भी वही सच्चाई सामने आएगी तो बहुत ही आपत्तिजनक मामला यह होगा। तो लेकिन पहले हम अंतिम रूप से वहाँ निष्कर्ष पर पहुँचने के पहले उनकी ओर से क्या कहा जाता है हम जानना चाहेंगे। लेकिन ये माना जाए कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है जदयू में? देखिए, वो एक अलग सवाल है। यह विषय जिसकी चर्चा अभी आप लोग कर रहे हैं यह पॉलिटिकल मामला नहीं है। आप जो सवाल कर रहे हैं वह पॉलिटिकल मामला है, इसलिए दोनों विषय अलग अलग है। जिस स्तर से भी जांच कराने की जरूरत होगी जांच कराई जाएगी। पहले उनकी ओर से क्या कहा जाता है इसको तो देख लें। नहीं, क्या आप चाहेंगे इसमें, जैसे कि भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सारे विंग्स हैं, तो CBI है, ED है, आपका बिहार सरकार का EOU है, तो क्या जैसे कि आपने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, तो बहुत सारे सरकारी कर्मियों पर रेड होता है, छापा पड़ता है, तो क्या आप चाहेंगे कि पार्टी स्तर से न जाके विभिन्न एजेंसियां भी उनसे पूछताछ करें? देखिए, कई मामलों में तो आप सब लोगों ने या हम सब लोगों ने, देश भर के लोगों ने देखा है कि समय समय पे सुओ मोटो भी लोगों ने संज्ञान लिया है, तो स्वाभाविक रूप से विभिन्न एजेंसियों की भी नज़र होगी ही। जो कुछ भी जब बात मीडिया में आ गई है।